9 मई की जिम्मेदारी आप किस पर डालेंगे सर? मैं आपसे हल्फन ये कह सकता हूँ कि 9 मई का कम से कम मेरे तक तो कोई मैसेज नहीं पहुँचा, ना इमरान खान का ना किसी और का। अच्छा, ये सारा जो मामला थे ना, जो चीज़ें हो रही थी, तो कोई 2-3 महीने पहले मेरी पार्टी में मेरे दोस्तों ने मुझे कहना शुरू किया कि तुम दूर क्यों हो गए, तुम अब वो उन क्लोज डोर मीटिंग्स में नहीं शामिल होते, क्या वजह है? मैंने भी खुद से भी ये महसूस किया कि मुझे भी थोड़ा सा या तो दूर बाय डिज़ाइन किया जा रहा है या मैं खुद अपने दिल से दूर हो रहा हूँ, मैं कह नहीं सकता, लेकिन उस तरह से वो है नहीं। अब जो स्काइप मीटिंग्स होती हैं उसमें तो हूँ, लेकिन जो वहाँ बनीगाला में या जमान पार्क में जो मीटिंग्स होती थी उसमें मैं नहीं हूँ मौजूद। और वो दायरा तंग होते होते, छोटा होते होते, काफ़ी लोग हमारे जो दोस्त इनर सर्कल के थे उन्होंने ये महसूस किया कि हम उसमें नहीं हैं। तो वो कौन लोग थे, कहाँ बैठ के सारे फैसले हो रहे थे और किस तरह हो रहे थे, वो मैं वसूख साहब को बता नहीं सकता, लेकिन कम से कम मैं अपने बारे में ये कह सकता हूँ कि अब लेकिन आप ये बात तो मानते हैं सर कि कोई भी फैसला, जब आप ये बात कर रहे हैं कि जी 90% लोग एक चीज़ के अगेंस्ट है बाहर, लेकिन इमरान खान का एक डायरेक्शन नज़र आता है सब उस लाइन पर आ जाते हैं, तो कोई ऐसा फैसला, कोई ऐसा अमल, चाहे साइफर हो, चाहे 9 मई हो, चाहे और पंजाब गवर्नमेंट को डिसॉल्व हो, इमरान खान की मर्जी के बगैर तो नहीं हो सकता। नहीं, ये तो आप मानते हैं ना? नहीं नहीं, इमरान खान की मर्जी के बगैर तो पार्टी में कुछ भी नहीं हो सकता, है ना? लीडर के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन देखें 9 मई को पूरी पार्टी ने कंडेम किया। मैं तो बार बार कहता हूँ कि जी एक स्याह दिन था ये पाकिस्तान की तारीख का, जिसके अंदर, लेकिन इमरान खान ने तो कंडेम नहीं किया ना सर। इमरान खान भी इन वे कंडेम ही करते हैं? नहीं सर, कभी नहीं किया। वो इमरान खान मानते नहीं है, वो कहते हैं कि जी 9 मई जो है उन्होंने तो सर उससे पहले एक स्टेटमेंट दिया था जाते हुए। इमरान खान कहते हैं कि जी 9 मई जो है, मैं मुझे तो पता नहीं था, मैं तो अरेस्टेड था 8 मई को। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो हुआ ये रिएक्शन सही हुआ है, उन्होंने कहा GHQ के सामने सही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर जो अथॉरिटीज मुझे उठाएंगी, अरेस्ट करेंगी, तो वो उसका रिएक्शन एग्री हुए ना सर। देखे ना जी, बड़े हमले हुए थे। आप मानते हैं सर पाकिस्तान की क्या दुनिया की तारीख में इस किस्म की एक्टिविटीज को आप कैसे देखते हैं सर? जो मैं हैवीली कंडेम करता हूं इस किस्म की एक्टिविटीज को। सवाल आप मानते हैं कि इसमें अहम तरीन लीडर्स इन्वॉल्व हैं? दिस इज बियॉन्ड पॉलिटिकल मूवमेंट, कोई भी पॉलिटिकल मूवमेंट से बाहर हट गया ये सारा। और इसके अंदर कौन इन्वॉल्व था, कौन इन्वॉल्व नहीं था, उसके लिए सारी वो, ये मैं खान साहब की बात आपसे कहता हूँ कि वो जो कहते हैं कि बार बार की सीसीटीवी फुटेज निकालें और इसमें जो जो इन्वॉल्व थे उनको आप सजा दे दें। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो ये होना चाहिए। मुझे नहीं पता क्या मसले थे कि सीसीटीवी फुटेज, पूरी दुनिया ने देखा है, सीसीटीवी तो मौजूद है, बहुत है, बहुत सारे। वो तो अब वो जब जाएगा केस वहाँ पर 9 मई का जो जा रहा है फौजी अदालत में, तो वो सारी सीसीटीवी तो आएगी। इमरान खान साहब ये बात कभी नहीं कहा उन्होंने कि 9 मई का जो वाकया हुआ है मैं उसको कंडेम करता हूं, ये तो कभी भी नहीं कहा। ये नहीं कहा, नहीं कहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।